नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 2016 तक प्रत्येक सांसद को एक एक गांव को गोद लेकर विकसित करना था। बाद में 2019 तक दो और गाँव को गोद लेकर उन्हें भी आदर्श ग्राम बनाना था। सुनने में ये योजना बेहद आकर्षक और उम्मीद जताने वाली लगती है, लेकिन क्या हमारे सांसद प्रधानमंत्री की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं? क्या सचमुच जिन गांवों को सांसदों ने गोद लिया है वो आज आदर्श बन गए हैं? क्या है इन गांवों की हकीकत? अपनी स्पेशल रिपोर्ट में आज हम इसी की तहकीकात करेंगे। बरेली से सांसद और केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने जब बरेली के रहपुरा जागीर गांव को गोद लिया तो गांव के लोगों के चेहरे पर खुशी देखते ही बनती थी। संतोष गंगवार ने भी लोगों से विकास के बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज 3 साल का वक्त बीत चुका है और रहपुरा गांव को आज भी आदर्श ग्राम बनने का इंतजार है। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार का गोद लिया गाँव आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, आप भी देखिए। बरेली मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर बसा फतेहगंज पश्चिमी ब्लॉक का ये रहपुरा जागीर गांव है। आबादी के लिहाज से ये गांव बड़ा है। यहां की आबादी करीब 3000 है। यही वजह है कि ये गांव राजनेताओं के लिए चुनाव के वक्त बेहद उपजाऊ हो जाता है। नेता आते हैं, अपने भाषणों में लोगों को उलझाते हैं, चुनावी मैदान में जीतते भी हैं और फिर गाँवों को भूल जाते हैं। सालों से रहपुरा जागीर गाँव के साथ यही होता रहा है। ये गांव अच्छी सड़क, स्वास्थ्य सुविधा, बिजली, स्वच्छ पानी और साफ सफाई से महरूम है, लेकिन इस गांव की उम्मीद को उस वक्त पंख लग गया जब देश के प्रधानमंत्री ने प्रत्येक सांसदों को एक एक पिछड़े गांव को गोद लेकर उसके विकास को सुनिश्चित करने को कहा। इसी के तहत बरेली से 7 बार सांसद और वर्तमान में मोदी सरकार में श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने रहपुरा जागीर गांव को गोद लिया। रहपुरा जागीर गांव को गोद लेते वक्त संतोष गंगवार ने गांव का विकास कर उसे आदर्श गांव बनाने का वायदा किया था। लगे हाथ सांसद महोदय ने इस गांव में तमाम योजनाओं की घोषणा भी कर दी थी। आज करीब 3 साल बाद रहपुरा जागीर गांव कितना आदर्श बन गया, इसका जायजा लेने के लिए एपीएन की टीम रहपुरा जागीर गांव पहुंची। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में आदर्श गांव कितने आदर्श हुए ये जानने के लिए पहुंची है एपीएन की टीम रहपुरा जागीर। रहपुरा जागीर सांसद संतोष गंगवार द्वारा गोद लिया हुआ एक गांव है। रहपुरा जागीर गांव पहुंचते ही जब हमने यहां के लोगों से सांसद के वायदों और किए गए कामों के बारे में जानना चाहा तो लोगों ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। कोई काम नहीं हुआ जी। क्या उम्मीद थी कि जब आदर्श गांव बनेगा तो कुछ काम होगा? बहुत कुछ उम्मीद थी। क्या 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 खराब है आपके यहाँ? सब ये कोई कार्य ये ना रहो, यहाँ पर खाली बोल रहे हैं। यही दिक्कत है कि कई आदर्श गांव है, गांव में कोई काम नहीं हो रहा है, नहीं शौचालय बने हैं, नहीं कुछ बना है, और हमारे स्कूल के विद्यालय के सामने बहुत गंदगी रहती है, बच्चे आते हैं पढ़ने के। सर इसमें कोई काम नहीं हुआ है, 3 साल से आदर्श लिया हुआ है गाँव, इसमें कोई भी काम नहीं हुआ है। मंत्री जी आते हैं आपके यहाँ कभी? मंत्री जी एक बार आए थे, डीएम साहब की मीटिंग लगी थी, तब से कोई काम हुआ है गाँव में? कोई भी काम नहीं हुआ है सर। केंद्रीय मंत्री जी ने जब से हमारा गांव गोद लिया है तब से जल निगम ने अपना काम शुरू किया है और आरएस वालों ने सर्वे कर दिया रोड का, अभी काम कुछ नहीं हुआ है। शौचालय ना के बराबर है, तालाबों में गंदी है, जानवरों को पानी पिलाने के लिए कोई घाट नहीं है। मूल समस्या हमारे गांव की है कि चकबंदी 84 अभी तक चल रही है, धारा बावन नहीं हुई है, बाहर के लोगों के नाजायज पट्टे हैं और हमारे काश्तकार परेशान है जमीन। वहीं गांव के पूर्व प्रधान का कहना है कि सांसद महोदय ने इस गांव में कई काम किए जबकि कई काम होना अब भी बाकी है। से ये गांव गोद लिया है हमारा, तब से विद्युत का काफी काम हो गया है गांव में। उसके अलावा ये ओवरहेड टैंक आप सामने देख रहे हैं, ये भी उनके सौजन्य से बन रहा है और इसके अलावा एक आध सीसी रोड का काम शुरू होने वाला है जो मेरी जानकारी में है। गाँव वालों ने जो हमें समस्या बताई उसके मुताबिक गांव में जर्जर सड़क बड़ी समस्या है, साफ सफाई की इस गांव में बेहद कमी है, गांव में पीने के शुद्ध पानी का अभाव है,
पानी की टंकी बन रही है, लेकिन अभी भी निर्माण काम अधूरा है। बिजली बेहद कम आती है, आती भी है तो वोल्टेज की समस्या, गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, शिक्षा की भी समुचित व्यवस्था नहीं, गांव में नाम मात्र के शौचालय बने हैं। गांव वालों की शिकायत की पड़ताल करने के लिए हम गांव के अंदर दाखिल हुए तो हमारा स्वागत टूटी फूटी जर्जर सड़कों ने किया। ज्यादातर सड़कें कच्ची हैं और इनमें कीचड़ भरा रहता है। नाली की व्यवस्था भी बेहद जर्जर हो चुकी है, इसकी वजह से नाली का पानी सड़कों से होकर गुजर रहा है। सालों पहले बने खड़ंजा रोड भी टूट चुके हैं, सड़क पर लगी ईंटें उखड़ रही हैं। वहीं कई जगहों पर देखकर लगता ही नहीं कि ये सड़क भी है, पूरी सड़क में पानी और कीचड़ भरा है। इन्हीं सड़कों से होकर गुजरने को मजबूर हैं आदर्श गांव रहपुरा जागीर के निवासी। ये मोदी सरकार के मंत्री संतोष गंगवार का आदर्श गांव है। आप देख सकते हैं कि रोड की हालत कितनी बुरी है, बरसात में लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लोग कितना इस गांव का आदर्श माने ये भी सोचने का विषय है, लेकिन इसके बावजूद भी सांसद कितना प्रयास करते हैं इससे यही बात स्पष्ट हो जाती है। पूरे गांव में घूमने के बाद हमें सिर्फ एक ही सड़क पक्की नजर आई, लेकिन ये वो सड़क है जो ग्राम प्रधान के घर तक जाती है। प्रधान ने अपने घर के सामने तो सड़क बनवा ली, लेकिन बाकी सड़कों को भगवान भरोसे छोड़ दिया। हैरत की बात है कि आदर्श ग्राम के तौर पर चयनित होने के बाद भी इस गांव में सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है। देखकर यकीन करना मुश्किल है कि आदर्श गांव है और इस गांव को बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने गोद लिया है। कोई काम नहीं हुआ है और जो खरंजे हैं वो इसी पड़े हुए हैं और उधेड़ कर डाल दिए, वो भी नहीं हुआ है। ये काम तो ये देख रहे हैं कि अब होगा, कल होगा, उसका अभी तक नहीं निर्माण हुआ है। इस सड़क को गोद लेने वाले सांसद संतोष गंगवार बीजेपी से हैं, मोदी सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन रहपुरा जागीर में कहीं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छता अभियान नजर नहीं आता। सड़क किनारे ही गंदगी का अंबार लगा हुआ है। रहपुरा जागीर से गंदा कोई गाँव नहीं है और नाली खड़ंजे तो सर आपने अभी सर्वे कर दिया था पूरे गांव में घूम के, तो इतना गंदा पड़ा हुआ है कि हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। और साफ सफाई को लेकर अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई बस अगर कोई सरकारी अधिकारी गाड़ा यहाँ पे आते हैं और मीटिंग लेते हैं तो उसी दिन साफ सफाई हो जाती है जहाँ वो लोग बैठने आते हैं। बहुत कम है, देख रहे खाद गड्ढे उड्ढे गए नहीं, कहीं पर खाद डालने को जगह नहीं है, कहीं पर सब रोड पर पड़ रहे हैं। बोले टंकी का आधा निर्माण चल रहा है सर और दूसरा कुछ विद्युत संबंधी कार्य हो गए हैं, और लेकिन नाली खड़ंजों को लेके तो हम देखें तो बहुत बुरी स्थिति है हमारे गांव की कि इस बार करीब 4-5 महीने यहां पे बीमारियों से लोग बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। एपीएन की टीम ने इस गांव में तहकीकात की तो पाया कि ग्रामीण आज भी खुले में शौच जा रहे हैं, अभी तक गाँव में नाम मात्र के शौचालय बने हैं। ऐसे में पूरे गाँव में गंदगी पसरी रहती है, गंदगी की वजह से गाँव में कई तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। गंदगी की वजह से बीमार होकर इस गांव में अब तक कई लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। बहुत ज्यादा हालत खराब है वहां के। आपके परिवार में भी किसी की मौत हुई है इलाज के अभाव में? लड़के की खत्म हुई है। क्या बीमारी थी? ये बुखार आया, घर के पास में तालाब भी है, उसकी वजह से बहुत गंदगी रहती है और रोड पे निकलना मुश्किल होता है। खुद इस गाँव में बने अस्पताल के सामने गंदगी का अंबार लगा है। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय है जहाँ पर लोगों का इलाज होता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस अस्पताल के सामने कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन से कि वो यहाँ के कूड़े के ढेर दिखाएं। वहीं बात की जाए यहाँ के अस्पताल के डॉक्टर की तो कहा यह भी जाता है कि डॉक्टर कई कई दिन यहाँ पर नहीं आते हैं, तो ऐसे में लोग कितने स्वस्थ होंगे वो भी एक सवाल बनता है, लेकिन हमारे सांसद के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है। गाँव वाले बीमार हों तो यहाँ स्वास्थ्य केंद्र होने के बाद भी उन्हें इलाज नहीं मिल पाता, वजह गाँव के स्वास्थ्य केंद्र का बंद रहना है। ये स्वास्थ्य केंद्र ज्यादातर बंद ही रहता है। गांव वालों का आरोप है कि यहाँ कभी कभी ही डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर इलाज भी कर दें तो यहाँ के लोगों को दवा नहीं मिलती। वहीं इलाज की पर्ची बनाने में 1 रुपए की जगह 10 रुपए वसूलने का आरोप भी लगा। इस स्वास्थ्य केंद्र के बंद रहने से गाँव के झोला छाप डॉक्टरों की चांदी है। गाँव वाले इन्हीं झोला छाप डॉक्टरों से अपना इलाज करवाने को मजबूर हैं। जब हम इस झोपड़ी में टेबल पर दवा की शीशी लिए बैठे झोला छाप डॉक्टर की तस्वीर ले रहे थे तो मीडिया में खबर आने से वो नकली डॉक्टर किस तरह से डर कर दुबक गया, आप खुद देखिए। क्यों आगे बीच में?
नहीं देता है। फायदा तो कर ही रहे हो गरीबों के। रायपुरा जागीर गांव में 7 तालाब हैं। एक वक्त इन्हीं तालाबों से यहां के लोगों के पानी की जरूरतें पूरी होती थी, लेकिन अब ये तालाब बेकार हो चुका है। सभी तालाबों में गंदगी जमा है। ऐसे में पानी इस गांव के लिए बड़ी समस्या है। गांव को गोद लेने के वक्त सांसद महोदय ने तालाबों के सौंदर्यीकरण की बात कही थी, लेकिन बीते वक्त के साथ वे अपना वायदा भूल गए। हालांकि पानी की व्यवस्था के तहत संतोष गंगवार ने इस गांव को पानी की टंकी का तोहफा दिया है। टंकी का निर्माण काफी समय से चल रहा है, लेकिन यह अभी भी पूरी तरह से चालू नहीं हो सका। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार ने पानी का पाइपलाइन बिछाने के लिए पूरे गांव के खड़ंजे खोद दिए, जिसके चलते लोग गिरकर घायल भी हो रहे हैं। सांसद जी ने जब से गोद लिया है गाँव, कम से 2-2.5 साल हो गई और टंकी का निर्माण चल रहा है, जो भी चल रहा है। और गांव में जो पाइप डाल रहे हैं वो पाइप डाल के पाटते नहीं है, वैसे छोड़ देते हैं। कई भैंसियों की टांगे टूट गई। सांसद जी ने गोद लिया है, जब से केवल एक टंकी का आधा निर्माण चल रहा है सर, और दूसरा कुछ विद्युत संबंधी कार्य हो गए हैं। और लेकिन नाली खड़ंजों को लेकर तो हम देखें तो बहुत बुरी स्थिति है हमारे गाँव की। वहीं टंकी बनाने वाले ठेकेदार का कहना है कि टंकी का निर्माण काम पूरा हो चुका है, लेकिन पैसे के चलते बिजली का कनेक्शन नहीं हो पाया। ऐसे में लाखों की लागत से बनी यह टंकी चंद रुपयों की कमी के चलते शुरू नहीं हो सकी। करीबन गांव में पाइपलाइन डल चुकी है और पंप हाउस, स्टाफ क्वार्टर वगैरह, टंकी सब कंप्लीट हो गई। केवल हमें बिजली का कनेक्शन वो हो जाए तो हम ज्यादा ज्यादा 2 महीने में हम इसको कंप्लीट कर दें। इस गांव में बिजली की बात की जाए तो गांव में बिजली के खंभे और तार लगे हैं, लेकिन बिजली की खूब आंख में चौली चलती है। बेहद कम वोल्टेज के चलते ग्रामीण परेशान रहते हैं। आप देख सकते हैं इस गांव में लंबे लंबे तार तो खड़े हैं, खंबे खड़े हैं, लेकिन बिजली यहां पर पहुंचती नहीं है। और आप ये भी लोगों की शिकायत ये है कि यहां पर जो वोल्टेज आता है बेहद कम होता है और लाइट भी बहुत कम मिलती है। शिक्षा की बात की जाए तो गाँव में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल है, लेकिन प्राइमरी के बाद आगे की पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में बच्चों को दूर फतेहगंज कस्बे तक जाना पड़ता है। कुल मिलाकर हमने जो देखा उसके मुताबिक इस गांव में एक टंकी छोड़कर ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे रायपुरा जागीर गांव को आदर्श गांव कहा जा सके। हालांकि गांव के प्रधान छेदीलाल का कहना है कि गांव में काफी काम किया जा रहा है। तीन खरंजे और लाइट की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? लाइट करा दी, 30 लाइट। अच्छा, शौचालय कितने बनवाए आपने? शौचालय 65 पैसठ बनवाए। कितने रुपए अनुदान दिलवाए गांव वालों को? 6,000। मिलना कितना था? 12। उधर करीब 3 साल बाद भी रायपुरा जागीर गांव का विकास नहीं होने पर विपक्ष केंद्रीय मंत्री और बरेली के सांसद संतोष गंगवार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार वायदे तो बहुत करती है, लेकिन करती कुछ नहीं। कोई काम नहीं हुआ किसी तरह का भी। गांव के लोग जो आदर्श ग्राम में इन्होंने घोषित किए हैं, वो खुद अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ अच्छी बातें करते हैं, अच्छे नारे देते हैं, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है किसी विभाग में भी। डेवलपमेंट का कोई काम नहीं है। जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो आपने देखा होगा कि हर तरफ काम ही काम होता नजर आ रहा था। बरेली से 7 बार बीजेपी के सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री जैसा बड़ा रुतबा रखने वाले संतोष गंगवार के गोद लिए गांव का विकास से महरूम होना सचमुच चिंता की बात है। ऐसे में यूपी में अपनी खोई राजनीतिक जमीन पाने के लिए कांग्रेस भी मोदी सरकार पर खूब निशाना साध रही है। भाजपा जो आई है वो कथनी और करने के बहुत भारी अंतर के कारण ही आई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो भाजपा की सरकार के प्रधानमंत्री हैं, बहुत झूठ बोलकर, बहुत फरेब करके पब्लिक को बहला के फुसला के सत्ता तो पा गए, लेकिन जो उन्होंने जनता से वायदे किए थे वो कहीं भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी डेवलपमेंट का कार्य कहीं हो ही नहीं रहा है। संतोष गंगवार के गोद लिए गांव की दुर्दशा से गांव वाले खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। गांव में विकास की बयार नहीं बह पाने की वजह से विपक्ष भी लगातार हमलावर है। ऐसे में देखना होगा कि कब सांसद महोदय नींद से जागते हैं और अपने गोद लिए गांव की सुध लेते हैं। भीम मनोहर, APN बरेली। तो बरेली के रायपुरा गांव के लोगों को संतोष गंगवार से, मंत्री जी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ख्वाब
सांसद आदर्श ग्राम योजना, वो योजना जिसके तहत पीएम मोदी को यकीन था कि सांसद बदल देंगे गांव की तस्वीर को। इस योजना के तहत सांसदों ने गांव तो गोद लिया लेकिन तस्वीर कुछ ही गांव की बदल सकी। लखनऊ के मोहन लाल गंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने गांव आठ गढ़ी सौरा को गोद लिया था लेकिन क्या इस गांव की तस्वीर बदली, इसी का जायजा लिया एपीएन ने। हमें यहां जो दिखा वो आप भी देखिए। सरकार योजनाएं बनाती है लेकिन उनका क्रियान्वयन कितना होता है, जमीनी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं भाजपा सांसद कौशल किशोर के गोद लिए गांव आठ गढ़ी सौर में, जो यहां से थोड़ी दूर पर है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि 3.5 साल के वक्फे में इस गांव का कितना विकास हुआ है, कितनी समस्याएं दूर हुई हैं और वो कौन सी समस्या है जो अभी भी सुलझानी बाकी है। राजधानी से सटा ये है माल थाना क्षेत्र में स्थित आठ गढ़ी सौरा। 3.5 साल पहले जब भाजपा के मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर ने इस गांव को गोद लिया था तो एक उम्मीद की किरण जगी थी कि आठ गढ़ी सौरा की किस्मत बदल जाएगी। लेकिन 3.5 साल के बाद इस गांव की तस्वीर क्या बदली, ये जानने की करते हैं कोशिश। गांव में होम्योपैथिक भवन किराए के मकान में चलता है। आठ गढ़ी सौरा ग्राम सभा में करीब 300 इंडिया मार्का सरकारी हैंडपंप लगे हैं। केवल 8 गांव में 70 नल लगे हैं लेकिन इनमें से आधे से ज्यादा खराब पड़े हैं। सरकारी नलकूप तो लगा है लेकिन पानी नहीं आता। गांव में केवल विद्युतीकरण ही हुआ है। गांव को शौचमुक्त करने का दावा खोखला निकला। भाजपा सांसद कौशल किशोर के गांव में महिलाएं खुले में शौच करने को हैं मजबूर। क्षेत्र में बेहतर स्कूल के अभाव में बेटियों को दूर पड़ता है भेजना। गांव में गंदगी होने से मच्छरों और संक्रमण का भी खतरा रहता है। एपीएन को यह कमी आठ गौड़ी सौरा ग्राम सभा में पड़ताल करते वक्त मिली तो हमको गांव में विद्युतीकरण का फायदा भी देखने को मिला। सड़क के अभाव में बिजली के खंभे को रास्ता बना लिया गया तो बिजली के खंभे को मोबाइल चार्जर पॉइंट बनता भी हमने देखा। जब हमने आठ गढ़ी सौरा के बाशिंदों से बात की तो उनका दुख सामने आ गया। हम इस वक्त मौजूद हैं कौशल किशोर के गोलिये गांव आठ गढ़ी सौरा में, जो कि माल में आता है। और ख़ास बात यह है कि इस गांव के कि यहाँ ना कोई शौचालय है, ना सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है, यानी कि मूलभूत सुविधाओं का यहाँ पर बिल्कुल ही टूटा है। ये गांव वाले हैं जो हमें बता रहे हैं लगातार कि यहाँ पर उनको समस्याएं क्या झेलनी पड़ती है, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, मूलभूत सुविधाओं की बात हो, सबकी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। आप बताइए दादा, आप यहीं गांव में रहते हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें यहाँ सभी दिक्कतें, ना तो रास्ता है, ना कहीं शौचालय है, ना कहीं लाइट है, लाइट की व्यवस्था खाली खंभे गड़े हैं, ये दिक्कतें हैं। वो भी अधूरे, सब कहीं गड़े नहीं हैं, कहीं कहीं छूट गया है, कोई कोई स्थान छूट गया है। हाँ, जहाँ जहाँ नहीं गड़े हैं अभी, कुछ गड़ने को बाकी है। पानी पीते कैसे, मतलब पानी तो अपने हैंडपाइप से भर के लाया जाता है, वही पिया जाता है। लेकिन जो सरकार कह रही है कि आप शौचालय बनाइए, पैसा हम देंगे, तो आप लोग क्यों नहीं शौचालय बना रहे? तो इतना पैसा किसके पास है जो बनाए और कहा, जब पैसा है नहीं तो यहाँ अपन देखते हो अपन काम चलाने वाले तो मुश्किल है। जब कौशल किशोर ने गांव को गोद लिया था तब आप यहाँ पर थे, आपको कैसा लगा था कि अब गांव के दिन बहुरेंगे, आप वालों की किस्मत चमकेगी? बिल्कुल बहुरे मतलब लगा था, लेकिन कोई आवास न विकास कोई हो ही नहीं रहा, रास्ता हर चीज से परेशानी है। आखिरी बार आके सांसद कब आए थे यहाँ पर? सांसद अब की बार नहीं आए हैं, कभी सांसद कभी नहीं आए यहाँ पर, आप बताइए। 3-4 बार आए। अच्छा, तो क्या रहा, 3-4 बार आए, कुछ हुआ आगे? हुआ कुछ नहीं। अच्छा, हुआ कुछ नहीं, लाइट का कह गए तो लाइट खंभा गड़ गए, अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं आया, लाइट नहीं हुई, बाकी आए तो है, बराबर आए। तो अपनी समस्या बताते हैं, क्या कहते हैं वो? समस्या कुछ नहीं बताते, कहते वहाँ से वो नहीं मिला, वहाँ से वो नहीं मिला, यहाँ कोई वो काम ही नहीं, बस काम होगा, काम होगा, ये जरूर कहते हैं काम होगा, लेकिन कब होगा? अब तो पूरा समय भी बीत गया, समय बीत गया, ना तो यहाँ कोई खड़ंजा बना, ना तो कोई नाली है, कुछ है यहाँ पे कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे। तो आलम यह है कि 2014 में ये गांव गोद लिया गया था, लेकिन 2014 के बाद कई मरतबा कौशल किशोर यहाँ आए जरूर, लोगों से बातचीत भी की, उनकी समस्याओं को जाना भी, समझा भी, और जब लोगों ने पूछा कि काम कब होगा तो उन्होंने कहा बहुत जल्द होगा। लेकिन बहुत जल्द कब होगा, अब तो 5 साल भी बीतने को आ रहे हैं, 2019 में एक बार फिर चुनाव है, अब इन लोगों को उम्मीद है कि शायद वोट मांगने आए उससे पहले थोड़ा सा यहाँ शायद काम हो जाए। तो आखिर क्यों नहीं बदले इस गांव की तस्वीर,
इस सवाल का जवाब किसी के पास हो सकता है तो वो हैं भाजपा सांसद कौशल किशोर। लिहाजा हम पहुंचे भाजपा सांसद कौशल किशोर के आवास पर, जिन पर जिम्मा है आठ गड़ी सौरा के मुकद्दर को संवारने का। बहुत सी जो योजनाएं माननीय मोदी जी ने जो एक आदर्श गांव उसको बनाने का निर्णय लिया था, उसमें हम लोग पूरा 3 बार मीटिंग किए वहाँ पे, अधिकारियों को बुला करके सब प्रस्ताव दिए, लेकिन उस समय की सरकार ने कुछ किया नहीं। अब ये प्रदेश में भी अपनी सरकार आई है, अब वो थोड़ा सा वहाँ पे शुरू हुआ है काम, और मैं समझ रहा हूँ कि अभी अब उसका डेवलपमेंट एक तरीके से हो पाएगा। यानी कि राजनीति के दांव पेज में पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी सांसद आदर्श ग्राम योजना दम तोड़ रही है। हालांकि अब सूबे में भाजपा की ही सरकार है, लिहाजा अब आठ गड़ी सौरा की तस्वीर बदल सकती है, लेकिन अब वक्त ही कम बचा है। देखना खासा दिलचस्प होगा कि बचे महज 1.5 सालों में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित आठ गड़ी सौरा का मुकद्दर कितना सुधर पाएगा। तो इन 3.5 सालों में आठ गड़ी सौरा के लोगों में कुछ बदलाव आया है तो ये कि उनका इंतजार अभी भी बाकी है। उनके गांव को हालांकि आदर्श ग्राम सांसद योजना के अंतर्गत भाजपा के सांसद कौशल किशोर ने गोद जरूर ले लिया, लेकिन उनके जीवन शैली में उनके गांव में कोई भी तब्दीली नहीं आई। अब उनको इंतजार है एक बार फिर उनके सांसद उनके पास आए और वोट मांगे, तब वो उनसे सवाल जवाब करे और उनसे हिसाब मांगे। कैमरामैन अन्ना के साथ खुर्रम निजामी, APN लखनऊ। जब इन गांवों को आदर्श ग्राम योजना के लिए चुना जाता है तो यहां जो बाशिंदे रहते हैं, यहां जो ग्रामीण रहते हैं, उनके चेहरे पर एक चमक आ जाती है, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं, 3 साल की समय सीमा बीतती है, तो वो चमक फीकी पड़ जाती है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में शायद उनका ग्राम आदर्श हो जाए। हमारी सीरीज में और भी कई गाँव की, आदर्श गाँव की हकीकत लगातार जारी रहेगी, आप तक पहुँचाते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।